हाय फ्रेंड्स, नवग्रह के पौधे और उनसे मिलने वाले फल के बारे में आज मैंने वीडियो में चर्चा की है। हर ग्रह के पौधे से दूर होती है आपकी परेशानी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अनुसार पेड़ एवं पौधे लगाने और इनके पूजन से कई समस्याएँ दूर होती है। पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर आसमान में स्थिर दिखने वाले पिंडों छायाओं को नक्षत्र और स्थिति बदलते रहने वाले पिंडों छायाओं को ग्रह कहते हैं। ग्रह का अर्थ है पकड़ना। संभवतः अंतरिक्ष से आने वाले प्रवाहों को धरती पर पहुंचने से पहले ये पिंड और छायाएं उन्हें टीवी के एंटीना की तरह आकर्षित कर पकड़ लेती है और पृथ्वी के जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इन्हें ग्रह कहा गया और इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। सूर्य चंद्रो मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति शुक्र शनिश्चरो राहु केतुश्चिति नवग्रह अर्थात सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये नौ ग्रह हैं। शब्द कल्पद्रुम इनमें प्रथम सात तो पिंडीय ग्रह है और अंतिम दो राहु और केतु पिंड रूप में नहीं है बल्कि छाया ग्रह है। ऐसी मान्यता है कि इन ग्रहों की विभिन्न नक्षत्रों में स्थिति का विभिन्न मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के समन के अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें एक उपाय यज्ञ भी है। पमिधाएं यज्ञ द्वारा ग्रह शांति के उपाय में हर ग्रह के लिए अलग अलग विशिष्ट वनस्पति की समीधा यानी कि हवन प्रकाष्ठ प्रयोग की जाती है, जैसे कि इस श्लोक में वर्णित है। अर्कह प्लासा खदिश्चार पार मार्गोस्थ पिपला औडम्बर समी दुर्वा कुशश्च समीधा क्रमात् अर्थात अर्क यानी कि मदार, पलास, खदीर यानी कि खैर, अपामार्ग यानी कि लटजीरा, पीपल, उरम्बर यानी कि गुलर, समी, दूब और कुश क्रमशः नौ ग्रहों की समिधाएं हैं जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। इस तरह ग्रह अनुसार वनस्पतियों की सूची इस प्रकार है। ग्रह शांति की यज्ञ कार्यों में सही पहचान के अभाव में अधिकतर लोगों को सही पेड़ों की जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए नवग्रह वृक्षों को धार्मिक स्थलों के पास रोपित करना चाहिए ताकि यज्ञ कार्य के लिए लोगों को शुद्ध सामग्री मिल सके। यही नहीं, यह विश्वास किया जाता है कि पूजा अर्चना के लिए इन वृक्ष वनस्पतियों के संपर्क में आने पर भी ग्रहों के कुप्रभावों की शांति होती है। अतः नवग्रह वनस्पतियों के रोपण की महत्ता और बढ़ जाती है। नवग्रह मंडल ग्रहानुसार वृक्षों की स्थापना करने पर वाटिका की स्थिति इस प्रकार होगी, जैसा कि इस फोटो में मैंने दिखाया है। अब आती है बारी नक्षत्र वाटिका का रोपण। नक्षत्र वृक्ष का रोपण कैसे करते हैं? जिस तरह पृथ्वी के धरातल को भूगोल भी 36 की अक्षांश रेखाओं में चिन्हित करते हैं, प्राचीन काल में धरती के ऊपर आकाश को 27 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसके हर एक भाग को एक नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों की पहचान आसमान के तारों की स्थिति विन्यास से की जाती है। जिस तरह समुद्र में प्रवाहमान जहाज की स्थिति देशांतर रेखा में व्यक्त की जाती है, उसी तरह पृथ्वी के नज़दीक के पिंडों या ग्रहों की भ्रमण स्थिति नक्षत्रों में व्यक्त की जाती है, जिसे मैंने इस फोटो में दिखाया है। भारतीय मान्यता के 27 नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां आश्लेषा, दस मघा, ग्यारह पूर्वा फाल्गुनी और 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूला, 20 पूर्वाषाढ़ा, 21 उत्तराषाढ़ा, 22 श्रवण, 23 घनिष्ठा, 24 सप्तभिषक, 25 पूर्वाषाढ़पद और 26 उत्तरा भाद्रपद और 27 रेवती। इन नक्षत्रों के वृक्षों का नाम आयुर्वेदिक पौराणिक ज्योतिषीय एवं तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है।
इन ग्रंथों में यह वर्णन है कि अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष को हानि पहुंचाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन वृक्षों का रोपण एक वृत्त के रूप में वृत्त की परिधि को 27 बराबर भागों में बांटकर इस प्रकार किया जा सकता है। पहला नक्षत्र अश्विनी, पौराणिक नाम कारस्कर, वैज्ञानिक नाम स्ट्राइकोनक्स वोमिका, सामान्य नाम कुचिला। दूसरा नक्षत्र भरणी, पौराणिक नाम धात्री, वैज्ञानिक नाम फिलैंथस एम्बेलिका, सामान्य नाम आंवला। तीसरा नक्षत्र कृतिका, पौराणिक नाम उदुम्बुर, वैज्ञानिक नाम फाइकस रेसिमोसा, सामान्य नाम गुलर। चौथा रोहिणी, पौराणिक नाम जम्बू, वैज्ञानिक नाम साइजियम क्यूमिनी, सामान्य नाम जामुन। पांचवा नक्षत्र मृगशिरा, पौराणिक नाम खादिर, वैज्ञानिक नाम अकेशिया कार्टिचू, सामान्य नाम खैर। छठवा नक्षत्र आद्रा, पौराणिक नाम कृष्ण, वैज्ञानिक नाम डायोस्पायरोस मेलोनजाइलोन, सामान्य नाम काला तेंदु। सातवा नक्षत्र पुनर्वसु, पौराणिक नाम वंश, वैज्ञानिक नाम बैम्बू यानी कि बांस। आठवां नक्षत्र पुष्य, पौराणिक नाम अश्वत्थ, वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलिजियोसा यानी पीपल। नौवां नक्षत्र आश्लेषा, पौराणिक नाम नाग, वैज्ञानिक नाम मेसुआ नागासेरियम यानी कि नाग केसर। दसवां नक्षत्र मघावट यानी कि पौराणिक नाम फाइकस बेंगोलेंसिस, सामान्य नाम बरगद। ग्यारहवां नक्षत्र पुष्य फाल्गुनी, पौराणिक नाम पलाश, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी ढाक का पेड़। बारहवां उत्तरा फाल्गुनी यानी कि पौराणिक नाम प्लक्ष, वैज्ञानिक नाम फाइकस विरेंस यानी कि पाकड़। तेरहवां हस्त, पौराणिक नाम अरिष्ट, वैज्ञानिक नाम सेपिंडस मुकोरोसी गैटर्न यानी रीठा। चौदह चित्रा नक्षत्र, पौराणिक नाम बिल्व, वैज्ञानिक नाम एगिल मार्मेलोस यानी बेल। पंद्रहवां स्वाति नक्षत्र, पौराणिक नाम अर्जुन, वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना यानी अर्जुन। सोलहवां नक्षत्र विशाखा, पौराणिक नाम विकंकत यानी कि फ्लेकोर्शिया इंडिका यानी कटाई का पेड़। सत्रहवां नक्षत्र अनुराधा, पौराणिक नाम बकुल, वैज्ञानिक नाम मिमोसॉप्स एलेंगी यानी मॉलश्री। अठारहवां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, पौराणिक नाम सरल, पाइनस रॉक्सबर्गी सैर्ग यानी चीड़ का पेड़। उन्नीसवां नक्षत्र मूला, पौराणिक नाम सर्ज, वैज्ञानिक नाम शोरिया रॉबस्टा यानी साल। बीसवां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पौराणिक नाम वंजुल, वैज्ञानिक नाम सैलिक्स टेट्रास्पर्मा यानी जलवेतस। इक्कीसवां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा यानी पनस एट्रोकापस हेट्रोफिलस यानी कटहल का पेड़। बाईसवां नक्षत्र श्रवण यानी पौराणिक नाम अर्क कैलोट्रोपिस प्रोसीरा यानी मदार का पेड़। तेईसवां नक्षत्र धनिष्ठा, पौराणिक नाम शमी प्रोसोप्सिस सिनरेरिया यानी छयोंकर। चौबीस सतभिषक नक्षत्र, पौराणिक नाम कदम एंथोसेफेलस चाइनेसिस यानी कदम का पेड़। पच्चीसवां नक्षत्र पुष्य भाद्रपद यानी आम्र का पेड़ मैंगिफेरा इंडिका आम का पेड़। छब्बीसवां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद यानी निम्ब अजाडिरैक्टा इंडिका नीम का पेड़। सत्ताईसवां नक्षत्र रेवती नक्षत्र, पौराणिक नाम मधु, वैज्ञानिक नाम मधुका इंडिका यानी महुआ का पेड़। तो दोस्तों यह थी जानकारी ग्रहों की और नक्षत्रों की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।